अगर 2023 में BGMI गेम का कंप्लीट लग रहा, वेट कर रहे थे इतने टाइम से, तो अभी यहाँ पर आपका वेट जो है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। बिकॉज अभी जो डेट है यानी कि आज है June 3, और यहाँ पर गाइस 29 मई और 30 मई के बीच में जो BGMI गेम है वो फाइनली प्ले स्टोर पर आ चुका है। BGMI जो गेम है गाइस वो 8 से 9 महीने से प्ले स्टोर से हटा दिया गया था कुछ इशू की वजह से, लेकिन यहाँ पर फाइनली 8 टू 9 मंथ के बाद फाइनली फिर से BGMI जो गेम है वो प्ले स्टोर पर आ चुका है। तो यहाँ पर आपको डाउनलोड कैसे करना है, इंस्टॉल कैसे करना है, लॉग इन कैसे करना है, वो डिटेल्स मैं आपको बताने वाला हूँ। लाइक हाउ टू डाउनलोड इंस्टॉल BGMI गेम इन प्ले स्टोर 2023। यहाँ पर आपको सिंपली जाना है BGMI, यहाँ पर आपको सर्च करना है और उसके बाद प्ले स्टोर पर आपको BGMI गेम अवेलेबल मिल जाएगा। ये जो गेम है, गेम का जो साइज़ है गाइस वो है 791 MB, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 3 दिन में ही यहाँ पर इस गेम के जो डाउनलोड्स है वो ऑलमोस्ट 100 मिलियन पूरे के पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। तो आई थिंक आप काफ़ी लोग इसका वेट कर रहे थे, और आई नो मैं भी इसका काफ़ी टाइम से वेट कर रहा था, बट फाइनली BGMI जो गेम है वो यहाँ पर आ चुका है प्ले स्टोर पर। डायरेक्टली इसको मैं डाउनलोड देता हूँ, उसके बाद यहाँ पर लॉग इन रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस भी मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद थोड़ा गेम को प्ले करेंगे, ग्राफिक सेटिंग्स भी चेकआउट करेंगे। तो फाइनली गाइस जो BGMI गेम है उसे मैंने डाउनलोड कर लिया है डायरेक्टली प्ले स्टोर से, और यहाँ पर आपको किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से BGMI गेम को डाउनलोड नहीं करना है। अभी फिलहाल यहाँ पे BGMI गेम को आप डायरेक्टली गूगल प्ले स्टोर एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे मैंने BGMI गेम को डाउनलोड कर लिया है, अब डायरेक्टली यहाँ पे मैं एज अ गेस्ट की तरफ यहाँ पे प्ले करने वाला हूँ। बिकॉज अगर आपका ऑलरेडी कोई अकाउंट है BGMI का तो डायरेक्टली आप अपने अकाउंट से लॉगिन कर सकते हो, लेकिन अगर आपका अकाउंट नहीं है मेरी तरह तो आप एज अ गेस्ट भी यहाँ पर आप इस गेम को प्ले कर सकते हो। यहाँ पे मैं एज अ गेस्ट इस गेम को प्ले करने वाला हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो गाइस इसका UI भी थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस किया गया है, और कहीं ना कहीं थोड़ा पहले से ज़्यादा बेटर टाइप का थोड़ा UI आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। अगर अभी मैं इसके ग्राफिक सेटिंग्स बताता हूँ, इसे ग्राफिक सेटिंग्स को चेकआउट करते हैं। तो पहली बात यहाँ पर अगर देखो, जो पहले वाला जो BGMI था उसमें आपको ग्राफिक थोड़ा अलग मिलता था, अब यहाँ पर आप देखोगे इसके सेटिंग्स बाद में थोड़ा ग्राफिक आपको अलग देखने मिलता है। अब यहाँ पर ये जो मेरे पास स्मार्टफोन है ये गाइस है बेसिकली टेक्नो पे का स्मार्टफोन है, 6 GB रैम एंड 128 GB स्टोरेज वाला वेरियंट है, टेक्नो पोवा 3 ये स्मार्टफोन है मेरे पास। तो यहाँ पर अगर आप स्मार्टफोन के हिसाब से इसमें ग्राफिक सपोर्ट करेगा, तो यहाँ पर अभी मैं स्मार्टफोन के ग्राफिक सेटिंग्स में, तो यहाँ पर जो ग्राफिक सपोर्ट कर रहा है बेसिकली स्मूथ ग्राफिक पे अल्ट्रा यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है, यानी कि स्मूथ अगर आप ग्राफिक रखते हो तो फ्रेम रेट लो, मीडियम, हाई एंड अल्ट्रा यहाँ पे सपोर्ट करता है। उसके बाद अगर आप ग्राफिक को यहाँ पर बैलेंस करते हो तो यहाँ पर बैलेंस ग्राफिक पर फ्रेम रेट लो, मीडियम, हाई एंड अल्ट्रा सपोर्ट करता है। उसके बाद अगर आप ग्राफिक को HD करते हो तो यहाँ पर इसके बाद HD ग्राफिक फिलहाल इस स्मार्टफोन में सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर सिर्फ मैं इसे नॉर्मल ग्राफिक पे गेम को प्ले कर सकता हूँ। उसके बाद अगर HD ग्राफिक फिलहाल मेरा इस स्मार्टफोन में यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर रहा है, HD ग्राफिक का उसे मैंने डाउनलोड करना था, यहाँ पे मैंने जो ग्राफिक है HD वाला उसे डाउनलोड कर लिया है। तो यहाँ पे ग्राफिक HD पर ये अल्ट्रा यानी कि जो फ्रेम रेट है वही सपोर्ट कर रहा है, उसके बाद HDR यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर रहा है, अल्ट्रा HD भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, और उसके बाद USB। लेकिन अगर आपके पास 20,000 के ऊपर वाला स्मार्टफोन है कि पोको का X5 Pro 5G या Redmi Note 12 Pro 5G या iPhone 13 Pro Max या 14 Pro Max है, तो उसमें आपका ऑब्वियसली अल्ट्रा ग्राफिक यहाँ पे सपोर्ट करेगा। लेकिन ये जो स्मार्टफोन है टेक्नो पोवा 3 है जो कि 13,000 रुपये का स्मार्टफोन है, इस स्मार्टफोन में यहाँ पर HD ग्राफिक, उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें नॉर्मल ग्राफिक में, तो यहाँ पर भी आपको मेजर टाइप का जो UI है उसमें आपको बेटर टाइप का इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। दैट्स इज ऑल अबाउट। तो यहाँ पे थोड़ा सा और नीचे जाते हैं और थोड़ा सा इसका मूवमेंट को भी यहाँ पे जस्ट आउट करते हैं। दैट्स इट। तो यहाँ पर भी मैंने गेम को प्ले करना स्टार्ट कर दिया है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको बेटर टाइप का जो ग्राफिक का इंप्रूवमेंट है वो आपको देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू प्रीवियस वाले BGMI में। दैट्स इट। तो ये बस एक नॉर्मल सा गेम प्ले था। यहाँ पर आपको स्मार्ट इस गेम के लिए अगर आपको और क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट।